hello friends Assalamualaikum. alaikum i hope you all are doing very well this is maruk and you are watching english with maruk in today's lecture we will learn who was eugene o'neill okay uh, he is actually a famous american writer so let's see uh, who was he and uh, uh, what's the theme of his famous works so let's start our today's lecture ओके सो लेट मी सेलेक्ट अ पॉइंटर ओके लेट स्टार्टू वॉज यू जीन अनिलील यू जीन ग्लेटस्ट अनिल ये हमारे कौन सी एज बनती है विक्टोरियन एज में ये पैदा हुए थे विक्टोरियन एज हमारा उसका एंड जो होता है नाइनटीन जीरो वन में होता है ठीक है एंड एट द बेर्ट होटल इन न्यूयॉर्क सिटी होटल में इनकी बर्थ हुई थी न्यूयॉर्क में After attending a Catholic boarding school in Bronx, O'Neill enrolled in Princeton University for one year. ठीक है इन्होंने एक Catholic university, uh, Catholic school में अपनी starting की education जो है वो ली और उसके बाद उन्होंने Princeton University में admission लिया लेकिन उन्होंने वहाँ पर बस एक साल ही पढ़ा क्योंकि कुछ social और domestic issues की वजह से he was unable to uh, unable to acquire his higher education. ठीक है उन्होंने छोड़ दिया university को फिर उन्होंने काफ़ी सारी jobs try की थी ही वॉज द यंगेस्ट ऑफ थ्री चिल्ड्रन ठीक है इनके तीन सिबलिंग्स थे और ही वॉज ही थ्री सिबलिंग्स ठीक है लेकिन जो उनमें से एक आगे हम पढ़ते हैं ठीक है जेम्स एक का नाम था जेम्स और दूसरे का नाम था एड एडम ठीक है वो हम नेक्स्ट स्लाइड में रीड करेंगे उससे पहले जेम्स ओनील एन आउटस्टैंडिंग रोमांटिक एक्टर जेम्स ओनील जो है वो इनके फादर का नेम है ठीक है थ्री सिबलिंग्स थे जेम्स ओनील वाज एन आउटस्टैंडिंग रोमांटिक एक्टर ये एक एक्टर थे और इनकी जो मदर है हिज मदर एला ओनील ठीक है ये इनके मदर का नेम है ही वॉज ऑल्सो एन एक्ट्रेस ठीक है ये भी एक एक्ट्रेस एक थी और जो यूजीन है इन्होंने तीन बार शादी की अपनी लाइफ में ठीक है तीन बार शादी की और इनके तीन ही बच्चे थे टू वर बॉयज एंड वन वन वॉज अ गर्ल ठीक है उसके बाद है अमेरिकन ड्रामा वॉज ट्रांसफॉर्म फ्रॉम प्ले एंड एंटरटेनमेंट इन टू अ व्हीकल कन्फ्रंटिंग द इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल ड्रामाज ऑफ ह्यूमन प्रॉब्लम्स ठीक है अब आपके पास जो एक टेक्निक है आप नोट्स कैसे बना सकते हैं अब मैं वीडियो बना रही हूँ ठीक है आप मुझे सुन सकते हैं लेकिन आप इतनी सारी लाइंस लिखने की जगह पे बस छोटे छोटे पॉइंट्स लिखे जिन पे मैं ज्यादा फोकस करती हूँ जिनपे मैं ज्यादा एम्फेसिस मेरा होता है तो आपको पता चलना चाहिए उन पॉइंट्स का लाइक आई सेड इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल ट्रॉमास ठीक है तो इनकी लाइफ में इन्होंने बहुत सारे साइकोलॉजिकल ट्रॉमास देखे और हम इनके वर्क में भी ये वाला थीम देख सकते हैं तो इस पॉइंट में क्या कहा गया है कि जो स्टार्ट पे था अमेरिकन ड्रामा वो मेनली वॉज फॉर डिस्प्ले एंड एंटरटेनमेंट एस्थेटिक प्लेयर के लिए यूज किया जाता था लिखा जाता था लेकिन क्या हुआ कि वो ट्रांसफॉर्म हो गया इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल ट्रोमा ऑफ ह्यूमन प्रॉब्लम ठीक है ह्यूमन लाइफ की जो साइकोलॉजिकल इमोशनल इश्यूज हैं उनके जो कॉन्फ्लिक्ट होती है उनके इनर कॉन्फ्लिक्ट उसके बारे में लिखा जाने लगा और इस ट्रांसफॉर्मेशन में जो मेजर इन्फ्लुएंस थी जो मेजर पार्ट था वो जो जीन अनिल ने प्ले किया ठीक है उसके बाद है अनिल इज द ओनली अमेरिकन प्ले राइट टू हैव वॉन द नोबल प्राइज फॉर लिटरेचर ठीक है ये बस एक ऐसे अमेरिकन राइटर हैं जिनको नोबेल प्राइज भी मिला था लिटरेचर में ही ऑल्सो वॉन पोलिटिजर प्राइज फोर पोलिटिजर प्राइजेज इनको मिले थे ठीक है पल्टीजर प्राइज क्या होता है एक ऐसा प्राइज या फिर ऐसा ट्रॉफी जो किसी को ऑन द रिटर्न रिटर्न वर्क के बिहाफ पे मिली जा, मिलती है इन अमेरिका इन यू एस ठीक है यूएस में जो किसी को ट्रॉफी मिलती है उसके रिटर्न वर्क की बेस पे उसे कहते हैं पल्ट्रेजर प्राइज तो इनको फोर पल्ट्रेजर प्राइज मिले और नोबल प्राइज़ भी लिटरेचर में मिला ठीक है सो लेट्स मूवर स्लाइड ओके यूजीन है टू ब्रदर्स जेम्स एंड एडमंड जैसे कि मैंने आपको बताया इनके दो भाई थे यूजीन के जेम्स एंड एडमंड एडमंड इनमें से जो Edmund था उनकी डेथ हो गई इन अ वेरी यंग एज ठीक है यंग एज में इनकी डेथ हो गई जिसकी वजह से इनकी फैमिली को बहुत दुख हुआ दे वो वेरी सैड और इनकी जो मदर थी यूजीन की वो एडिक्टेड हो गई ड्रग्स की ठीक है इसमें लिखा हुआ है कि यूजीन स्पेंट हिज फर्स्ट सेवन ईयर ऑन अ टूर विद हिज पेरेंट्स ठीक है

एडमंड की डेथ हो गई हिज मदर वाज अ ड्रग एडिक्टेड उनके फादर अपने वर्क में बिजी थे James, जो जीन स्पेंड अ अ लॉट ऑफ टाइम विद हिज एल्डर ब्रदर हु वाज वाज ठीक है एंड ही हैवी ड्रिंकर जो जेम्स थे वो बहुत ज्यादा ड्रिंक करते थे और इन्हीं की वजह से यू जीन भी ड्रिंक करना स्टार्ट हो गया और कहा जाता है ही वॉज जेम्स हु मेड सिं फॉर हिम ठीक है जेम्स ने सिन को यूजीन के लिए इजी कर दिया यानी कि यूजीन ने जेम्स को देखा और जो जो जेम्स करते थे इन्होंने भी वही करना स्टार्ट कर दिया बाई दिसम थ्री मेन इंटरेस्ट वल्कोहल एंड अ वमेन ठीक है यू जीन के जो इंटरेस्ट बन गए वो बुक्स बुक रीडिंग करते थे वो बेसिकली शेक्सपियर की और ग्रीक ट्रेजिडीज उन्होंने बहुत ज्यादा रीड की हैं उसके बाद एल्कोहल वो एक हैवी ड्रिंकर थे लाइक हर ब्रदर जेम्स और वेमेन बेसिकली जो हमारे ये राइटर हैं पैदा ये विक्टोरियन एज के लास्ट में हुए थे इन द वेरी एंड ऑफ द विक्टोरियन एज लेकिन ये बिलोंग करते हैं हमारी मॉडर्न एज से भी ठीक है क्योंकि इनकी डेथ हुई थी 1953 में तो इसलिए इन हमें इनके वर्क्स में और इनकी लाइफ में बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे मिलते हैं दैट वी कैन फाइंड इन मॉडर्न एज टू ठीक है मॉडर्न एज के जो थीम्स हैं वो इनकी लाइफ के थीम्स भी हैं लाइक एलिनेशन आइसोलेशन फ्रस्ट्रेशन फ्रेगमेंटेशन और लैक ऑफ मॉरल वैल्यूज लाइक इनका इंटरेस्ट वन में ज्यादा था तो हम हम कह सकते हैं वी कैन से मॉरल वैल्यूज लैक ऑफ मॉरल वैल्यूज ठीक है तो उसके बाद एडमिंड विल्सन एक क्रिटिक है इन्होंने यूजीन के बारे में कहा है ही इज एन एक्स्ट्राडनरीली एट्रैक्टिव फेलो ठीक है अपनी राइटिंग की वजह से ये बहुत फेमस थे डैट वाई ही ऑल्सो गोट नोबल प्राइज ठीक है डोंट फोगेट इन इनको नोबल प्राइज भी मिला था इसलिए कहा जाता है कि ही इज एन एक्स्ट्रॉर्डनरीली एट्रेक्टिव फेलो

और जब इनकी डेथ हुई तो उन्होंने क्या कहा आई न्यू इट आई न्यू इट बॉर्न इन अ होटल एंड डैम इट डाइड इन अ होटल रूम यानी कि मैं पैदा भी एक होटल रूम में हुआ और मेरी डेथ भी एक होटल रूम में हो रही है ठीक है यहाँ से हमें पता चलता है कि उनकी लाइफ कैसी थी फुल ऑफ सफरिंग फुल ऑफ पेन ही कमिटेड सुसाइड ठीक है इन्होंने suicide भी कमिट किया था लेकिन ही फेल्ड इन इट लेकिन uh, उनकी मदर भी एक्ट्रेस थी फादर भी एक्टर थे देवर ट्रेवल अलॉट देवर नॉट है

कि किस बारे में इन्होंने अपने वर्क्स लिखे ये तो आपको पता चल जाना चाहिए कि इनके वर्क में हमें साइकोलॉजिकल और सोशल रियलिज्म यानी कि इन्होंने साइकोलॉजिकल और सोशल इश्यूज के बारे में बहुत ज्यादा लिखा दे डिपेक्ट द सोसाइटी एज इट इज ठीक है जैसी सोसाइटी थी उन्होंने इनको वैसे ही डिपेक्ट कर दिया तो हमें इनके वर्क में रियलिज्म का एलिमेंट भी मिलता है उसके बाद ही इज वन ऑफ द अर्लीस्ट राइटर हु यूज अमेरिकन वर् ठीक है वर्निक्यूलर क्या होता है लाइक कॉमन लैंग्वेज यूज करना जो कि मिडिल क्लास के पीपल यूज करते हैं या उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं ठीक है इन्होंने अपने वर्क्स में कॉमन लाइफ जो सॉरी कॉमन लाइफ कह रही है कॉमन लैंग्वेज पे फोकस किया सॉरी कॉमन लैंग्वेज को यूज करते हुए इन्होंने अपने वर्क लिखे एवरी वन कैन ईजीली अंडरस्टैंड द वर्क ऑफ यू जीन ऑन दे वर रिटर्न इन वेरी कॉमन लैंग्वेज ऑफ अमेरिका ठीक है एंड फोकस ऑन करेक्टर्स मार्जनालाइज बाय सोसाइटी दे यूज द करेक्टर देर बिलोंग टू द कॉमन लाइफ और मिडिल क्लास ऑफ अमेरिका ठीक है उन्होंने अमेरिकन सोसाइटी के वेरी 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 कॉमन पीपल को अपने वर्क में यूज किया है जिन्हें कहा जाता है मार्जिनलाइज करेक्टर ठीक है सोसाइटी में से उन्होंने करेक्टर को चूज किया है ही वॉज द फर्स्ट यूएस प्ले राइट टू टेक ड्रामा सीरियसली इन अस्थेटिक एंड इंटलेक्चुअल फॉर्म

उन्होंने बहुत सारे अपने वर्क में एलिमेंट्स यूज किए लाइक रियलिज्म जो चीज थी उसको एज इट इज डिपेक्ट कर देना दे डोंट चेंज एनीथिंग इन इट। मैंने यानी कि कहा जाता है दे दे रिप्रेजेंट लाइफ एज इट इज एक्चुअली इज लाइफ को उन्होंने बिल्कुल वैसे डिपेक्ट कर दिया अपने वर्क में जैसी वो उस एज में थी ठीक है बट इवन इन दर्ली रियलिज्मीज को और hopelessness को भी डिफाइन कियापलेसनेस फ्रेगमेंटेशन ये सारे थीम्स है मॉडर्न एज के और ये सारे थीम्स हमें मिलते हैं यूजीन के वर्क में भी ठीक है इट इज इम्पॉसिबल टू बोट लेवल ऑन स्टाइल ऑफ ड्रामाटाइजेशन हम इनके ड्रामाटाइज हम जो इनके द्राम, की, इनकी आर्ट ऑफ करेक्टराइजेश सकते लाइक ही वॉज अ नेचुरलिस्ट या रियलिस्ट इनके पास बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स थी दे वॉज अ वेरी ग्रेट राइटर ऑफ अमेरिकन लिटरेचर दैट्स वाई बिकॉज ही हैज मैनी करेक्टरिस्टिक इन हिज वर्क ठीक है लाइक नेचुरलिस्ट थे एक रोमेंटिसिस्ट थे रोमांटिक एलिमेंट भी हमें नज़र आता है इनके तो वर्क्स में इम्प्रेशनिस्ट सिम्बोलिस्ट बहुत तो सारे सिम्बल्स यूज करते हैं एक्सप्रेशनिस्ट बहुत अच्छे एक्सप्रेशन इन्होंने अपने वर्क में यूज किए हैं दैट कैन अलाउस पिटी एंड फेयर अमंग द रीडर ठीक है, है।, जारा है। और सरियलिज्म यानी कि रियलिटी में थोड़ी सी फैंटेसी ऐड करके इन्होंने बायोग्राफीज भी बहुत अच्छी लिखी हुई हैं ठीक है एम्पेरिक अपने एक्सपीरियंस को बहुत अच्छे से डिपिक्ट किया साइकोलॉजिस्ट या साइकोल, साइको एनालिस्ट भी कहा जाता है बिकॉज ही यूजिंग द साइकोलॉजिकल ऑफ ठीक है ये अपने कैरेक्टर की इनर कॉन्फ्लिक्ट को बहुत अच्छे से पोर्ट्रे करते थे ओके ये कुछ और एलिमेंट्स हैं जो हमें इनके बक्स में नजर आते हैं ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट एज आई टोल्ड यू बिफोर पावर ऑफ सबकॉन्शियस कॉन्शियसनेस ऑफ माइंड फॉर्म ऑफ माइंड ठीक है माइंड के बारे में लिखते हैं इडीपल रिलेशनशिप इडीपल और इलेक्ट्रिप क्या होते हैं पेरेंट्स ठीक है इडीपल मीन्स द रिलेशनशिप बिटवीन द सन एंड द मदर एंड द इलेक्ट्रा कॉम्पलेक्स मीन्स द रिलेशनशिप बिटवीन दी फर्स्ट डॉटर एंड द फादर ठीक है तो इन रिलेशनशिप को भी उन्होंने अपने वर्क में यूज किया है क्योंकि लैक ऑफ मॉरल वैल्यूज हमें नजर आती है मॉडर्न एज में पीपल वर वर इन इन पीपल फिजिकल ठीक है उनके लिए वो एब्यूज नहीं था दे वर ओनली वॉन्ट फिजिकल प्लेयर और सेक्सुअल प्लेयर इवन फ्रॉम आर द वेरी सेक्रेट रिलेशनशिप ठीक है वो नहीं सोच रहे थे कि हमारा रिलेशनशिप क्या है वो बस अपनी सेक्सुअल प्रेयर को अपनी फिजिकल प्लेयर चाहते थे से ठीक है द इम्पैक्ट ऑफ सेक्स हैव नो कंप्लीट रेजिडेंस और एनीथिंग टू ईट बहुत सारी डिफिकल्टीज मॉडर्न एज में लोगों को फेस करनी पड़ रही थी जो हायर क्लास थे वो बहुत सा थे बहुत ज्यादा स्प्लैंड लाइफ स्पेंड कर रहे थे और जो पुअर थे वो बहुत ज्यादा रिप्रेस्ड थे ऑप्रेस्ड थे ठीक है पोइटिक एंड वेल स्पोकन करेक्टर्स इनका जो स्टाइल है वो थोड़ा सा पोइटिक होता है थोड़ा वर्स फॉर्म में लिखते हैं लैक ऑफ फेथ इन सोशल सोल्यूशंस इन्होंने अपने वर्क्स में बहुत सारे सोशल इशूज uh, को डिटेक्ट किया है बताया है जो सोसाइटी में थे बट ही ऑल्सो डोंट हैव एनी सोल्यूशन फॉर दीज इश्यूज ठीक है लैक ऑफ इश्यू सोल्यूशन हमें पता चलता है इनके वर्क में डिसमेंट लाइक नो आइडिया नो प्लान फॉर फ्यूचर एंड स्पिरिचुअल डिस्कनेक्शन

और ये क्या था इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हो रही थी हमारे पास मॉडर्निज्म आ रही थी तो इन सब की वजह से इन्फ्लुएंस था इनके वर्क्स पे ठीक है डेस्पेरेशन इन वर्ड वे यू रियली कैन नॉट डू एनीथिंग टू एस्केप ठीक है बहुत ज्यादा मायूसी थी होपलेसनेस थी तो ये सारे हमें इनके वर्क्स में मिलते हैं सो लेट सी द मेजर वर्क रिटर्न बाई यूजीन जीन द फेमस ड्रामेटिस्ट ऑफ अमेरिका ठीक है मैं चीजों को बार बार रिपीट इसलिए करती हूँ कि आपको याद रहे आप ये ना कहें कि लेक्चर इज बोरिंग बिकॉज आई एम रिपीटिंग थिंग्स ठीक है ये नहीं सोचे आई एम जस्ट रिपीटिंग फॉर योर हेल्थ फॉर योर मेमरी ठीक है जब हम एक एक चीज को बार बार सुनते हैं देन सॉरी आवर मेमरी इट इज वेरी इजी फॉर आयर मेमरी टू मेमोराइज अ थिंग ठीक है जब हम एक चीज को बार बार रिपीटेडली सुनते हैं ठीक है तो ये कुछ वर्क्स हैं जो बहुत ज्यादा फेमस हैं यूजीन अनिल के बियॉन्ड द होलीजोन फर्स्ट वर्क है 1920 में लिखा था एना क्रिस्टी इसमें इनको पलटिजर प्राइज भी मिला था डिजायर अंडर द स्ट्रेंज इंटरल्यूड ठीक है मॉर्निंग बिकम्स इलेक्ट्रा इसमें हमें इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स और इडीपल कॉम्प्लेक्स देखने के लिए मिलता है आह वेल्डरनेस ओनली कॉमेडी ठीक है आह uh, वेल्डरनेस क्या है ये इनकी ओनली कॉमेडी है दिस इज द ओनली प्लेयर बाई जीन और विच हैव है तो ये इनकी एक कॉमेडी थी लॉन्ग डेज जर्नी इन टू नाइट ठीक है ये इनका बहुत फेमस ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है बायोग्राफी लिखी है इन्होंने ऑटोबायोग्राफी 1956 में जिसमें उन्होंने एक्सपोज किया है डिटेक्ट किया है द फेलर फ्रस्ट्रेशन एंड बिटरनेस एंड वाफ्टेड लव नई उन्होंने तीन शादियां की थी उनकी एक वाइफ की डेथ हो गई थी एक एक से लड़ाई हो गई थी तो जो इश्यूज थे वो सारे उन्होंने इस वर्क में लिखे हैं डिफाइन किया है और अनिल ने अपनी फैमिली के बारे में लिखा है अनिल ऑफ जिसमें बहुत सारे ओल्ड सोरोस, जिसको मैंने बहुत ज्यादा टीयर्स और आंसू और खून यानी कि बहुत ज्यादा पेन में लिखा है उसके बाद ये एक इंपॉर्टेंट रिमार्क्स है जो नील ने अपने बारे में ही कहा है आई सी लाइफ एज अ गॉर्जियसली आयरॉनिकल ठीक है लाइफ जो है बहुत ज्यादा आईरोनिकल है ब्यूटीफुली एंड डिफरेंट यानी कि कॉमन एडिक्यूट है स्पलेंडेडली सफरिंग यानी कि इसमें बहुत सारी सफरिंग्स भी आती है बिट ऑफ क्योर्स थोड़ी सी तबाही द ट्रेजिडी विच गिडियस सिग्निफिकेंस एक ऐसी ट्रेजिडी है या ऐसे लेसन भी हम अपनी लाइफ में सीखते हैं जो हमें कोई वैल्यू uh, देते हैं सिग्निफिकेंस देते हैं द इंडिविजुअल इज मेड सिग्निफिकेंट जस्ट बाय द स्ट्रगल एक इंसान को अपनी लाइफ में तभी वैल्यू या वर्थ मिलती है जब वो एफर्ट करता है ठीक है तो ये थी हमारी आज की वीडियो दैट इज ऑल अबाउट यू जी है और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है यू कैन आस्क इन कमेंट सेशन प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल इफ यू हैनी क्वेश्चन आई विल मस्ट रिप्लाई दूस क्वेश्चन एंड आई होप की आपको समझ आ गई होगी अब फिर भी कोई क्वेश्चन है तो मैंने आपको बता दिया पूछ लें और प्लीज लाइक सब्सक्राइब कर दें चैनल को थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो ओके जी अल्लाह हाफिज टेक केयर ऑफ यूर योर सेल्फ